और वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर आज एक अहम कदम और आगे बढ़ाया और लोगो लॉन्च किया। सीएम योगी प्रयागराज के दौरे पर थे, इस दौरान में उन्होंने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों संग बैठक की, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ एक बैठक की। सीएम योगी ने प्रयागराज के संगम पहुंचकर पहले माँ गंगा का पूजन किया और फिर आरती की। उन्होंने माँ गंगा से सभी के कल्याण की प्रार्थना की और इसके बाद पावन त्रिवेणी संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन पूजन किया और फिर साधु संतों से मुलाकात की। तो देखिए, महाकुंभ का आगाज होगा 2025 में। महाकुंभ एक बड़ा आयोजन यूपी में एक बार फिर से होने जा रहा है और पिछली दफा से इसे और ज्यादा भव्य आयोजन बनाने के मद्देनजर लगातार तैयारियां जोरों पर हैं। और क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा तो 2025 में शुरू होने वाले महाकुंभ, क्योंकि 13 जनवरी से शुरू होगा प्रयागराज महाकुंभ, ऐसे में आज लोगो लॉन्च कर दिया गया। तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं, महाकुंभ के लोगों की तस्वीरें आपने देखी, समीक्षा बैठक की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ उनके साथ में, स्वतंत्र देव सिंह नजर आ रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ नजर आ रहे हैं और यहाँ एक समीक्षा बैठक हुई, साथ ही साथ जो साधु संत थे उनके साथ भी मुलाकात हुई। एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहाँ दिखना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण होता है जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहाँ डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हों, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हों या फोर्स से जुड़े हुए यूपी पुलिस के हों, पीएसी के हों, होमगार्ड के हों या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था। आज प्रातःकालीन सत्र से ही हम लोगों को प्रयागराज में आने, संगम तट पर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती के मिलन स्थल पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आरती और पूजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अक्षय वट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहां पर की है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था।
वह एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश टीम के पास है और उस अनुभव का लाभ लेते हुए 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने देखा है जल की मात्रा भी लगभग 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख क्यूसी क्वार्टर अभी यहाँ पे जल है। जल को रिसीट होने में अभी 10-12 दिन लग सकता है, लेकिन कुंभ की तैयारी में, महाकुंभ की तैयारी में फिलहाल कोई बाधा नहीं है और हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में सभी प्रकार के कार्य, निर्माण के कार्य संपन्न होने के साथ ही कुंभ के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ के तुलना में इस बार उससे दुगने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। हमारा प्रयास होगा कि पीक डे के दिन जो मुख्य मुख्य पर्व हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक, ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे जिसमें पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि है, इन 6 प्रमुख त्योहार जो स्नान होंगे, पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पीक डे के दिन छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहाँ पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेज लगाई जाएंगी और भी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बहाने एक भव्य और दिव्य रूप में देखने को मिलेगा। सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन तैयारियां की जा रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। 0 प्लास्टिक के लक्ष्य को लेकर के प्रयागराज कुंभ को हम लेकर के चले हैं। 0 लिक्विड डिस्चार्ज, किसी भी प्रकार का सॉलिड या लिक्विड डिस्चार्ज माँ गंगा और यमुना में उस दौरान न हो, इसकी तैयारी। और जितने भी ड्रेनेज सीवर हैं ये सब तक तब तक टेप हो चुके होंगे या STF में इन्हें डाइवर्ट करके या बायो रेमेडिएशन की पद्धति के माध्यम से हम उसे शुद्धिकरण से ही उससे डिस्चार्ज करेंगे। ये सारी सुविधाएं यहाँ पर हम लोग देने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रयागराज कुंभ 2019 ने एक मानक स्थापित किया था, उससे भी बड़े स्तर पर एक भव्य और दिव्य कुंभ को स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित कुंभ के रूप में हमें स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी। इस संबंध में मैं आप सबका भी आह्वान करूंगा 2019 के कुंभ के, प्रयागराज कुंभ के लिए की सफलता में आपकी भी बड़ी भूमिका थी। इस बार फिर से अपनी सकारात्मक भूमिका के साथ प्रयागराज को और भारत के सनातन धर्म के इस भव्य आयोजन को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में आप सबका सकारात्मक योगदान होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं।